सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारी समस्या है, देखो मैं बताऊं, हमारी यहाँ क्षेत्र में हो गन्ने की फसल जी, फिर मुंजी और गेहूँ जी, मुंजी गेहूँ जी भी हम हरियाणा में लेके जा मंडी में जी भी पुल पर रोक लगे, हड़ताल का किस्सा। जब सरकार नु कहे किसान कहीं भी बेच लो, क्यों रोक लगे? अब 5 साल में नौकरी मिली और वो भी पेपरदीक होकर बेकार होगी तो क्या फायदा इसका? मुझे तो लग जा कि रोजगार बढ़े। अब सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए सरकार ने आपने बाधा थोड़ी डाली, आपने तो जो गलत हो रहा था उसका विरोध तो किया आपने, नहीं आपने विरोध ही तो किया। हाँ विरोध किया, विरोध किया आपने, अच्छा विरोध किया, आप ठीक थे। उसके बाद भी आपको मुकदमा लिखा जा रहा तो क्या फायदा आपका? फिर हमारे नेता जी है, हम इनका मार्गदर्शन करें। जब हमारे जो बड़ों के साथ ऐसा होगा तो फिर हमारा क्या होगा? सरकार किसी की भी बने, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकार पर दबाव रहेगा काम ठीक करने का। फिर यू घुमा क्षेत्र में सरकार एक तरफा बनेगी, विपक्ष नहीं है तो सरकार सही तानाशाही पाओ। कई राज्य के जो बड़े बड़े नेता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी में आने के बाद क्या भ्रष्टाचारी नहीं है? सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के ऊन ब्लॉक के आमवाली गांव में हैं। अभी हमारे साथ यहां के किसान हैं, गांव के किसान हैं, मुख्य रूप से यहां के जो जाट किसान हैं। आइए बात करते हैं, चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, क्या मन बना है, क्या चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है जो पहले मन था क्या वो बदल रहा है? बहुत कुछ हुआ है, बहुत उठक बहुत उलट फेर भी हुई हैं इस सीट पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर कि जब आखिरी मिनट पर ये पता चला कि जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन छोड़ के NDA में जा रहे हैं। माहौल उसके बाद से कई बार ऊंच नीच उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं जब से चुनाव का प्रचार शुरू हुआ है। आइए अभी आमवाली गांव के निवासियों से बात करते हैं। जी तव राम राम। राम राम। तव खेती करें? खेती करें। तव ये बताओ, 10 साल हो गए इस सरकार को, किसानों के लिए कैसी रही है ये सरकार इन 10 साल में? हर साल मुंजी जाओ या गेहूँ की फसल जाओ पुल पे, इंगे भी यूपी में भी भाजपा सरकार, हरियाणा में भाजपा सरकार जी, जी भी फसल जाओ जी भी वहाँ से रोक कर बैठ जाओ, एक तो हर साल यह परेशानी है। इब्जा सिरसू का रेट सरकार ने 5650 काट दिया था, इब्जा 4400-4500 बिक्री, कोई सरकारी खरीद नहीं हो रही। जिस सरकार ने MSP तय करी 5650 वह बिकनी चाह पर बिक्री 4500-4400-4400। हमारे MP साहब हैं जो वर्तमान में, एक बार भी 4-5 दिन हुए गांव में दर्शन दिए उन्होंने, 5 साल में कभी दर्शन नहीं हुए। कहा भाई कुछ विकास तो है स्थिति में जाओ। ये बताइए, क्योंकि ये शिकायत हम तो बहुत घूम रहे हैं पिछले दिनों में पूरे पश्चिमी यूपी में और कैराना सीट में, ये शिकायत कई लोगों को है। एक बात और बताओ, जबकि हर इलेक्शन में हमारे बूथ पर भाजपा जीतती रही जी, और उसके बाद में भी गांव में काम नहीं होता। अच्छा ये बताइए, लेकिन एक और छोटी सी बात करना चाहूँ, हमारे गांव में 30 बीघे जमीन हमने स्कूल के नाम करवा रखी, जब भी स्कूल का काम आवे नज़दीक सा कभी हमारा सुरेश राणा जी अपने यहाँ ले जा, कभी कोई दूसरा मंत्री खींच ले जा, पर हमारा स्कूल आज तक नहीं बना। अच्छा स्कूल नहीं बना आपके यहाँ पर गांव में? ये एक चीज़ बताइए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, आप कह रहे हैं कि इन पर काम स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ, खासात में एक बहुत बड़ा 13 महीने का किसान आंदोलन भी हुआ, लेकिन उस किसान आंदोलन के अलग अलग नेता थे, अलग अलग उनके SKM के अलग अलग लीडर थे, सब थे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं चुनावी प्रतिनिधित्व जो पश्चिम यूपी में कर रहे थे जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल, वो तो भाजपा में चले गए, उस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं तो देखो, ये ऊपर के नेता हैं, इनका है जिंगे ने जो कह पैदा होंगे चले जाओ, आम जनता को तो यही रहना, गांव में यही काम करना, ठीक है, ये तो अपने व्यक्तिगत फायदा नुकसान देखें। तो आप क्या चुनाव में इस बार सोच रहे हैं? प्रदीप चौधरी जी हैं, दूसरी तरफ सपा से इकरा हसन जी हैं, और वहाँ श्रीपाल राणा जी हैं बसपा से, आप कहाँ सोच रहे हैं इस बार? सोच लेंगे, अभी तो 19 तारीख दूर है। अच्छा, लेकिन आप की बातों से लग रहा है आप सरकार से भी या प्रदीप से भी खुश नहीं रहे हैं 10 साल? प्रदीप तो मेरा कुछ लेना देना है नहीं, प्रदीप कुछ काम करे, यहाँ से एक आधा अपना पत्थर पुत्र लगवा देता, हम भी लिखते बढ़ते देखते भाई प्रदीप का भी लग रहा पत्थर, लेकिन अभी हाथों में बताऊँ बाबू जी
दो तीन लाइन टाइम तो हुकम सिंह ने दी थी सौर ऊर्जा की जी, प्रदीप जी ने पांच दे दी, इतना आसान तो कर रखा काम पे, मतलब पांच लैंटर्न मिली है सौर ऊर्जा की। अच्छा, पांच साल में पांच लैंटर्न ही रहेंगी, बाकी और कुछ विकास नहीं होने का, फिर पांच साल के बीच में फिर सिग्नल मिल जाएगी। तो तब किधर वोट कर रहे हैं आप इस बार? हम तो जाकर चुप करेंगे, कुछ कार रखी है उन्होंने, ले लिया इकरा हसन। इकरा हसन पर, इकरा हसन क्यों पसंद आ रही है आपको? वो आई एन जी भी और क्या करें, जिस शिकल नहीं रखी उसकी, प्रदीप आया ही नहीं पांच साल, नहीं हमने शिकल नहीं रखी, ठीक है ठीक है। बाकी उसके बजान ने भी यहाँ से एक सड़क बनवाई थी, उसके भाई ने भी यहाँ दो तीन रास्ते बनवाए, नाहिद ने, और बब्बा प्रदीप जी का तो कोई पत्थर लगे नहीं हमारे काम में। तो आप लोग इकरा हसन, आप दोनों ये बताइए कि आप लोग किसान हैं, एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन रहा, 750 किसानों की शहादतें भी हुई, क्या दो शब्द भी नहीं कहे गए सहानुभूति के भी? तो जो आप कह रहे हैं कि उनके प्रति दो शब्द सहानुभूति के भी नहीं कहे गए, क्या उस किसान आंदोलन का भी इस चुनाव में एक असर देखने को मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अजी हमारी समस्या है, देखो मैं बताऊँ, हमारी यहाँ क्षेत्र में हो गन्ने की फसल जी, फिर मुंजी और गेहूँ जी, मुंजी गेहूँ जी भी हम हरियाणा में लेके जा मंडी में जी भी पुल पर रोक लगे हर साल का किस्सा, जब सरकार ने कहा किसान कहीं भी बेच लो क्यों रोक लगे, एक तरफ यही कहा था कि भाई कहीं भी बेच लो, एक तो मेन समस्या है किसान की, प्रतिवर्ष उठे इधर भी सरकार भारी है भाजपा की, उधर भी भाजपा की है, क्यों रोक लगे इस पे सरकार को सोचना चाहिए। इमजा गन्ने का पेमेंट हर साल का, इम गन्ने का पेमेंट है, अब की बार कुछ सही आया, दो मार्च लोग आ गया दिखे, यानी पिछले साल का पेमेंट अक्टूबर लोग का है। नहीं, और बड़े बड़े आंदोलन चले हैं यहाँ पर तो गन्ने के भुगतान के लिए, शामली मिल पर तो आई थिंक 46 दिन भी वहाँ किसान बैठे, भुगतान होता ही नहीं, होता ही नहीं, और होता ही नहीं, जबकि 14 दिन का एक आध नियम बन रहा पर होता नहीं। गन्ने का रेट, जो गन्ने का दाम जिसका SAP जो पिछले सरकारों में जिस हिसाब से बढ़ रहा था, क्या आपको लग रहा है कि बात हो रही है? डरना चाहूँ मैं, एक हमारे यहाँ क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में नहीं, हमारे गांव में या सभी गांवों में जो ये हमारे मीटर लग रहे हैं, ये किसी का 55 उसका किलोवाट का लोड देगा, किसी का 25 का, किसी का 35 का, जबकि 2 किलोवाट हर किसान की, और उनमें पता नहीं क्या कमी है, सारे के सारे लोड फाल तो दिखा हुए, और जो लोड फाल तो दिखा हुआ तो बिल ज्यादा हो, सरकार में उन्हीं की सुनाई नहीं होती, उन मीटरों की और तो क्या करेंगे। एक योग आप कह रहे हो कि जो मुफ्त बिजली का जो बोला था ये क्या, कुछ नहीं इसके लिए तो मुफ्त नहीं बोला, खेत के लिए बोला, खेत के लिए जो मुफ्त बिजली, ये तो गांव की बात, गांव की बात आप कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं बिल बहुत बढ़ के आ रहे हैं, और सही करवाने के अकाउंट हो जाएंगे सही। आवारा पशु की समस्या बहुत है, आवारा पशु की समस्या आई आप पर बात से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कई लोग इस पर निराश हैं, आवारा पशु की जो समस्या है, किसान आवारा पशु की समस्या से कई जगह लोग इसके बारे में हमसे भी बात करते हैं, कहते हैं रात दिन वहीं बैठना पड़ता है खेतों में, तो उससे क्या समाधान कुछ आपको लग रहा है, प्रदीप जी ने इस तरफ कुछ काम किया है? देखिए आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि आवारा पशु की समस्या से जल्दी निजात पाएंगे, लेकिन हमें तो नहीं लगता, पिछले 5 सालों में 13-13, 14-14, 20-20 हजार और गायें एक खेत में घुस जाएंगी तो नुकसान तो होगा, कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आए दिन मैं कभी भी आप शामली की तरफ चल जाओ या हमारे गांव में चल जाओ, 20-20 हजार एक खेत में मिलेंगे, कोई इसके लिए व्यवस्था आज तक 5 साल में नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 31 दिसंबर लोग ये सड़क पर नहीं रहेंगे, आदेश करे थे सरकार ने, और परंतु फिर भी खुले फिर रहे 31 दिसंबर से, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था 3-4 महीने हो गए हैं। और हाँ मुझे ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि ये जो आवारा पशुओं की समस्या है ये है, आप नौजवान भी हैं, आप लोग ये बताएं कि रोज़गार के लिए कैसे अवसर खुले हैं, कि आपको लगता है, क्योंकि मोदी जी का वायदा था कि भाई 2 करोड़ रोज़गार मिलेंगे नौजवानों को, लेकिन उस दिशा में आपको लगता है काम हुआ है? देखिए अभी इन्होंने पुलिस की भर्ती करवाई थी 5 साल में, जो पेपर लीक, पेपर लीक हुआ था, बहुत बच्चों ने मेहनत करी बेचारों ने, और उसके बाद भी इतनी बड़े पैमाने पर खर्चा करके फिर भी पेपर लीक हो रहा, अब 5 साल में नौकरी मिली और वो भी पेपर लीक होकर बेकार होगी तो क्या फ़ायदा इसका, मुझे तो लग जा कि रोज़गार बढ़े इसमें। तो क्या आप इस बार बदलाव चाह रहे हैं सरकार में? देखिए बदलाव तो चाह रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ नीतियाँ गलत हैं। किन की? बीजेपी वालों जैसे आवारा पशु हैं, 5 साल से लगातार अखबार में आता है कि इनके लिए बड़ा वो कर दिया, लेकिन कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ, आवारा पशु खेत में बहुत नुकसान करते हैं।
नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप अपने सांसद में इस बार बदलाव चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। आप किस तरफ जाने की सोच? मैं इकरासन। आप इकरासन की तरफ? यहाँ हमारे यहाँ का एक सरकारी अस्पताल है, निंजाने भी एक सरकारी अस्पताल है, श्यामली भी है, ब्लॉक में भी है, कहीं जहाँ हमें एक रुपये की पर्ची बनवावें डॉक्टर नवज नहीं, थर्मामीटर नहीं लगाता, ब्लड प्रेशर नहीं नापता, बता के बरज हो रहा, एक गोली लिखे हर दे दे। मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर खराब है? स्वास्थ्य सुविधा इतनी बढ़िया है, अब पर्ची बने दवा मिले, पर आदमी का नहीं पूछता तेरे कहा है के परेशानी है, कहाँ दर्द हुआ, क्यों हुआ, उसे नहीं देखता, बाबा बंटी लिख दी अकले जा हो गया ठीक। आयुष्मान का कोई फायदा नहीं हुआ? आयुष्मान बन रहे लोगों के, आयुष्मान में जी मैं गंभीर बीमार हुआ तो अस्पताल में पढ़ूंगा, जी तो आयुष्मान में इलाज होगा, और मेरे कोई छोटी बीमारी होगी 2-4 हज़ार की, फिर तो मुझे करते ही लगाना, उसमें तो बड़ी बीमारी के लिए है, बड़ी बीमारी के लिए 5 लाख का जो इंश्योरेंस है जी। आपका नाम साहब? मोनू तोमर। मोनू जी क्या करते हैं आप? बस जी अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान है, मेडिकल स्टोर है, खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी है और दुकान है। मोनू जी ये बताइए आप इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं अंबावली गांव में? बाकियों की तो राय सुनी, क्योंकि आप व्यवसाय भी करते हैं, कैसा रहा है 10 साल आप लोगों, आपके लिए एक बिजनेसमैन भी होने के नाते क्या उसमें दिक्कतें आई हैं, या आपको लगता है कि सरकार की नीतियों से आपको फ़ायदा पहुँचा है? और सरकारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी है सरकार। व्यक्ति को क्या चाहिए? चिकित्सा, शिक्षा, सड़कें, बिजली, पानी, सब फील्ड में सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा। जितना 70 साल रह के 55 साल में कांग्रेस ने विकास नहीं करा, उतना बीजेपी ने हर क्षेत्र में विकास करा। लेकिन चिकित्सा की बात अगर करें, स्वास्थ्य की बात करें, और इसकी भी बात करें, अगर हम स्कूलों की भी, सरकारी स्कूलों, तो उसमें कोई खास सुधार तो पिछले 5-10 सालों में इस इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सरकार की ही रिपोर्ट आई थी कि जहां सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है तो सबसे पीछे उसमें यूपी है आज के दौर में। लोगों के पास पैसा घना है जी। अच्छा, सरकारी अस्पताल में कोई जाना पसंद नहीं करता। गरीब तो बहुत जाते ही हैं। हाँ, जाते हैं तो उनका सबका ट्रीटमेंट होता है जी। आपको लग रहा है अच्छे चल रहे हैं? हाँ, चलो तो चलिए, अब आपको लग रहा है कि अच्छा चल रहा है। आप मुझे बताइए कि इस बार फिर आप चुनाव में, आप तो सरकार से खुश लग रहे हैं, आप इस बार चुनाव में क्या चाह रहे हैं, किधर जाने की सोच रहे हैं? प्रदीप चौधरी, बीजेपी। बीजेपी वर्ल्ड की राजनीति से ले गए और छोटे स्तर तक हर जगह पे बिल्कुल सरकार खरी उतर रही है अपने वायदों को लेकर। ठीक है, 100% तो देखो कोई नहीं करता, 100% तो व्यक्ति भगवान से भी खुश नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। तो आप खुश हैं, आप कह रहे हैं जो काम नहीं हुए हैं 100% वो आने वाले सालों में हो जाएंगे? अगर वाले समय में होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, बिल्कुल सरकार करेगी, सरकार की नीतियाँ इतनी अच्छी हैं। उसमें 2 महीने डॉक्टर बैठ के, आज लोग कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, गांव की बता रहा हमें पहले 6 साल तक हमारे गांव में कोई सफाई कर्मी नहीं है, मरीज पंचायत में ही। और हमारा मोनू एक कर्मठ कार्यकर्ता है, रोजाना बाहर भीतर जा खूब घूमे फिरे, 6 साल तक आमवाड़ी में या यापुर पंचायत में कोई सफाई कर्मी नहीं है। तो आप जो अस्पताल खुला है गाँव में, उसमें 2 महीने एक डॉक्टर रहेगा उधर का, था दिल्ली साइड का, और अपना रहकर पोस्टिंग करा के चलेगा, उसके बाद में कोई नहीं, ताला भी डरा। ये सुविधा है, ये सुविधा आपको लग रही है। चलिए, इस पर मतभेद है कि विकास सही में कितना हुआ नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही स्वस्थ होता है कि जितना मतभेद हो लोगों के बीच में उस पर आपस में खुल के बात भी हो पाए। आपका नाम, नौजवान है आप? विनय तोमर। विनय जी क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, स्टडी करते हैं, आपकी क्या उम्र होगी? 18 प्लस। तो मतलब आप पहली बार लोकसभा में वोट डालेंगे। चलिए, आपका लोकतंत्र के मेले में स्वागत है, पहली बार वोट डाल रहे हैं, कहाँ डालने वाले हैं? एकरासन को। क्यों आपको लग रहा है एकरासन को करना चाहिए? बस जी, जब हमने, हमारे बड़ों ने उसकी मतलब सिकल ही नहीं देखी अब तक का, हमारे चाचा जी हैं जी, इन्होंने मतलब हम चाचा के साथ भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी, पर जब उसे देखा ही नहीं जी,
तो इस वजह से बस नहीं। चलिए, लोकतंत्र की यही खूबी है कि एक ही परिवार में भी अलग अलग वोट पड़ सके हैं। मुझे ये बताओ कि आप इकरा हसन कह रहे हैं, आप एक नौजवान भी हैं, क्या आपको इस बात में भी कोई आपको देखकर ये भी अनुमान कभी होता है कि एक नौजवान नेता इस तरह से उभर रही है और शायद नौजवानों के सवाल उठेंगे पाएंगे? बिल्कुल। क्या बोलिए? बिल्कुल उठाएंगे सवाल, ऐसी बात नहीं है। बार बार पेपर लीक हो रहे, एक भर्ती में थोड़ा भी है, पता नहीं कितनी भर्ती में पेपर लीक हो रहे, हमारी यूपी में नहीं दूसरे स्टेट में भी हो रहे, कोई यूपी कोई उदाहरण थोड़ा है, ये तो सारे को ही हो रहा। केंद्र की नौकरी हो चाहे राज्य की नौकरी हो, जो कर्मचारी रिटायर हो गया उसकी जगह कोई नई नियुक्ति नहीं हो रही, सरकारी पद नहीं भरे जा रहे, बस ये युवा रोजगार बेरोजगार है। युवा एक बात सुनो, थोड़ी थोड़ी तो जमीन रह रही, यदि इन्हें रोजगार मिल जाएंगे ब्याह भी हो जाए, इनका घर बस जाए, एक समस्या थोड़ा, अरे इनका काम ठीक चले, घर में तरक्की हो, रोजगार मिल नहीं रहे, और अपना फिर धक्के करते सब सभी को सरकारी नौकरी कहाँ से पर्याप्त हो सरकारी प्राइवेट जो लोग पढ़े लिखे हैं, देखो हमारे भाई हैं 90,000 रुपए तनख्वाह ले प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन जिसके अंदर काबिलियत है वही तो जागा जी। इसमें 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 एक सवाल तो आता है कि जब तक सरकारी स्कूलों में उस स्तर का सुधार नहीं होगा ताकि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ताकि फिर प्राइवेट में भी वो गरीब से गरीब परिवार का भी हो या अमीर से अमीर, सबकी शिक्षा ऐसी हो कि सब वहाँ पर काबिल हों नौकरी लेने के लिए। अब तो ये भी तो हो रहा है ना कि सरकारी स्कूलों की वो स्थितियाँ तो बिल्कुल नहीं सुधरी हैं यहाँ। नहीं सर, सरकारी स्कूलों में स्थिति बढ़िया है, सरकार खाना भी दे रही है, किताबें दे रही है, ड्रेस दे रही है, जूते दे रही है, तो सरकार कहाँ अपने चीज़ों में पीछे है। अब बात तो पुरानी स्कीम नहीं, नहीं सर, अब ये देखो, अब ज़बरदस्ती तो किसी बच्चे को हम कहीं भेज नहीं सकते, माता पिता जहाँ चाहेंगे बच्चा वहाँ पढ़ेगा। हमारे गाँव से भी बच्चे हैं जो बाहर कर रहे, गुरुकुल में भी हैं, बड़े बड़े जो स्कूल हैं वहाँ भी जाते हैं बच्चे, तो सबकी अपनी अपनी बुनियादी सुविधा के हिसाब से सब काम कर रहे हैं जी। देखो दी हैं, चुनाव आने वाला है जी। क्या राय है आपका? राय तो जनता की है जी, हमारी क्या राय, आप भी जनता का ही हिस्सा हैं। हाँ नहीं, अब मैं थोड़ा ही जनता को ये कह दूंगी कि तुम उस तरफ चले जाओ। आप अपना निजी मत बताइए ना, जनता का अपना निजी मत, आप कहाँ सोच। नहीं मैं निजी मत सबके सामने थोड़े बता दूँ। अच्छा ठीक है, चलिए ये नहीं, ठीक है बिल्कुल, नहीं नहीं लोकतंत्र में सबका अधिकार है बोलने का। नहीं सुनो तो फिर भाई, देखो ईडी है, सीबीआई है, हम तो छोटे से ग्राम प्रधान है, हमें तो बचना महाभारत हो जाएगा फिर। चलिए ये बताइए, ईडी सीबीआई की आपने बात करी, ये नहीं, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात करी। अभी आप ही के पड़ोसी राज्य में दिल्ली में भी वहाँ के मुख्यमंत्री और दो और बड़े मंत्री और एक उनके लीडर संजय सिंह, वो उनको अभी बेल मिल गई, बाकी लोग हैं। हेमंत सोरेन जो इधर झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको भी ईडी ने अंदर कर दिया जी। आपको लग रहा है कि क्या इन संस्थाओं का, क्यों विपक्ष का अक्सर ये एक आरोप है कि इन संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार? देखो एक बात बताऊं मैं आपको, कितने ही कई राज्य के जो बड़े बड़े नेता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी में आने के बाद क्या वो भ्रष्टाचार ही नहीं है, उनकी सारी केसेस भी हट गए। दूसरी बात मैं कहता हूँ, कमी हर इंसान में, मेरे में भी कमी है, आप में भी होगी, सब में कोई ना कोई कमी रहती है, और कमी जब ढूंढने को आती है तो कमी कहीं भी निकल जाती है, लेकिन उसका ये नहीं नाजायज फायदा नहीं किसी चीज को उठाना चाहिए। आज मैं प्रधान हूँ या मैं किसी को ज्यादा दबाव देऊं या किसी का गलत काम करूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आज सत्ता भाई उनके हाथ में, कल उसके हाथ में भी हो, गलत इस्तेमाल ना करें, जो कमी तो किस में नहीं है बताओ आप, बिल्कुल हर इंसान में कमी है। रही दूसरी बात, ईमानदार हो है जिसका कहीं, अब हम सारे यहीं इकट्ठा बैठे, हमारे चाचा जी भी है नेताजी, अब यहाँ 1 करोड़ रुपए डाल दो आप, अब देखो मैं कौन कौन कुर्सी पर बैठा रहेगा, सब उनके ऊपर झपट जाके। ईमानदार तो है जिसका मौका नहीं लग रहा, ठीक है जी, बाकी कोई नहीं, ईमानदारी जो कहने कि मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार तो कोई है ही नहीं, या नहीं? बिल्कुल तो आप कह रहे हैं ऐसे सबको अच्छे लगते हैं, ठीक है, जिसका मौका नहीं लगा ईमानदार है, कुछ ऐसे भी है जो मौका लगते भी कोई 1-2% होगा, मैं तो जो नहीं उस पर, मुझे तो आज तक गिने चुने में तो आज तक कोई ऐसा मिला नहीं। कैमरे पर भी कई लोग बोलने से कतरा इसरे रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस बात का डर बैठ गया कि जो ईडी सीबीआई इतने बड़े नेताओं के साथ कर सकती है तो शायद हम नहीं बच पाएंगे। लोकतंत्र में शायद ये डर जो है एक लोकतंत्र को ही मेरे हिसाब से कमज़ोर करता है, और ये डर बात जो अगर खुल के नहीं हो पाती है किसी लोकतंत्र में तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जड़ें कहीं ना कहीं वहाँ से हिलने लग जाती हैं। ये भी एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप ग्राम के प्रधान हैं, प्रधानपति हैं,
कि 5 सालों में 10 सालों में ये जो सरकार रही है, क्या आपको लगा है कि ग्रामीण विकास के लिए जिस तरह का काम होना चाहिए था वो आपको होते हुए दिख रहा है? नहीं, विकास तो हो रहा, जो पहले फंड था प्रधानों का, एक तो फंड सारा कम कर दिया गया, लगभग 60-70% खत्म हो गया। दूसरी बात, जब विधायकों की पेंशन है, विधायकों का मानदेय है, एक सरकारी कर्मचारी जो हमारे यहाँ है, जो पंचायत सहायक है, उसका मानदेय 6,000 रुपये, प्रधान का मानदेय 5,000 रुपये, तो प्रधान तो उससे जो सहायक है उससे भी नीचे कैटेगरी में आ गया। अब जब विधायक अपनी पेंशन ले रहा है, फर्स्ट एड ले रहे हैं, सारे बहुत से भत्ते हैं, तो प्रधान का क्यों नहीं हो? पेंशन तो प्रधान की भी होनी चाहिए, क्यों नहीं? और एक लोकतंत्र में मेरे हिसाब से ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री सबका एक बहुत अहम योगदान होता है। लोकतंत्र में सभी एक बड़े पहिए का हिस्सा होते हैं, उस सब हिस्से अगर कोई भी कमज़ोर पड़े तो पहिया पूरा ही कमज़ोर पड़ जाता है। आखिर में अगर किसी को अपनी एक आखिरी बात किसी को कहनी है या कोई और बात कहनी है, आपको कुछ नहीं बोलिए मोनू जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बनेगी बीजेपी की 100%, ठीक है जी। मैं तो अपने भाइयों को, मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, बड़े भाई हैं, मैं तो इन्हें ये कहना चाह रहा, अगर आप लोग इस तरीके से सरकार के विपक्ष में बैठोगे, तो विपक्ष में जाने का चलो हमने आपकी बात मान ली, क्रासन जीत गई, तो उसका क्या लाभ होगा? क्योंकि संसदीय क्षेत्र में अगर सत्ता के विपक्ष जो कोई अगर रहा भी है तो क्षेत्र का विकास पीछे रह जाता है। ये तो अब लेकिन मोनू जी जो बात बोली है ये थोड़ी सी खतरनाक बात है कि भाई अगर आप विपक्ष में हैं तो फिर उसके विकास का क्यों फर्क पड़ना चाहिए? भाई वोट करे ना करे लेकिन विकास तो सबका होना चाहिए। विकास तो होना चाहिए लेकिन इस चीज का वो अपनी निधि तो पूरी मिलेगी लेकिन विभागीय काम में कहीं ना कहीं आपको पता है इस चीज का ये रियलिटी है कि कहीं ना कहीं विभागीय काम अटक जाते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं एक कमी है ना हमारे सिस्टम की, कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई आप विपक्ष में हैं तो विभागीय काम नहीं होंगे, तो ये हमारे जो चाचा जी है मोनू, हमारे चाचा जी हैं ये लगभग 10-15 वर्ष से बीजेपी में बड़ा दमखम लगा के जोरों शोरों से, आज तक ना तो इन्हें कोई अच्छा पद मिला, ठीक है। दूसरी बात, एक झगड़ा हुआ था खानपुर कला में, बावरिया रहते हैं हमारे यहाँ, किसी बात को लेकर, उसमें इन्होंने विरोध किया, इन्हीं की सरकार में रहते हुए हम इनके साथ थे, सब उतन बंद साथ थे, इन्हीं के ऊपर मुकदमे लिखे गए, अब इनकी नहीं सुनवाई हुई तो बताओ, पूछो इनसे मुकदमा है कि नहीं है। चलिए मोनू जी, आपके बारे में सवाल पूछा है तो आप ही जवाब दीजिए। देखिए, सरकार किसी की भी हो, अगर व्यक्ति गलत बात का विरोध नहीं करेगा तो मैं उसे इंसान नहीं मानता। एक बात बताओ, विरोध करा गलत, वो गलत कर रहे थे, इन्होंने अच्छा करने के लिए विरोध करा लेकिन उल्टा इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। अब देखो, सरकारी अब सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए सरकार में आपने बाधा थोड़ी डाली, आपने तो जो गलत हो रहा था उसका विरोध तो किया आपने, नहीं आपने विरोध ही तो किया। हाँ, विरोध किया, विरोध किया आपने, अच्छा विरोध किया, आप ठीक थे, उसके बाद भी आपको मुकदमा लिखा जा रहा तो क्या फायदा आपका? फिर जब आपके साथ ऐसा होगा तो हम कहाँ जाएंगे, जब हम आपके साथ पीछे खड़े हैं? चलिए चलिए, नहीं जब हम इनके साथ खड़े हैं, हमारे नेताजी है, हम इनका मार्गदर्शन करें, और जब हमारे जो बड़ों के साथ ऐसा होगा तो फिर हमारा क्या होगा बताओ आप? तो ये बताइए, मैं अगर पूछ सकता हूँ, पिछली बार आप कह रहे थे ताऊ कि लगभग एक तरफा वोट इस गांव से भाजपा गया था, भाजपा के जी, इस बार कम से कम कुछ तो इसमें विभाजन लग रहा है, वो वोट एक तरफा हो गया, हो गया, बाकी सारी एक जीतगी भी रही, बस इसका ठटक लगनी चाहिए, शिकल नहीं देखी हमने, चाहे सुनता भी हो बच्चा कोई दिक्कत नहीं, ये डर मैं डरता भाई, हमारी मानना तो ये है सरकार किसी की भी होने, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकार पे दबाव रहेगा काम ठीक करने का, फिर यू घूमेगा क्षेत्र में, सरकार एक तरफा बन गई, विपक्ष नहीं है तो सरकार सही तना सही पा, दोनों चीज मजबूत होनी चाहिए, सरकार ठीक चले, बहुमत की हो, विपक्ष भी मजबूत हो। ये ताऊ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत हो तभी यहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं, और लोकतंत्र जहाँ एक तरफ संसद में होता है वहीं यहाँ पर हमारे इस कमरे में भी है, जहाँ पर लोग अलग अलग अपने विचार निडर होकर एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, यही शायद एक लोकतंत्र की नींव है कि आप पक्ष में हो विपक्ष में हो लेकिन अधिकार बोलने का और मुद्दे रखने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। आज आमवाली गांव में उस लोकतंत्र का
कुछ लोगों ने ये व्यक्त ज़रूर किया है कि उस लोकतंत्र को ख़त्म होने का एक डर, या उस पर कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र का ख़त्म होने का डर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बैठा है, खास करके जो दिल्ली में अरेस्ट हुए हैं, ईडी सीबीआई के जो केसेस लगे हैं। लेकिन आम वाली गांव में वो लोकतंत्र आज भी ज़िंदा है, लोग आपस में बैठ के वाद विवाद कर रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि देश में भी चुनावी नतीजे जो भी हों, ये लोकतंत्र की नींव कभी भी ना ख़त्म हो। सीसीए के साथ जुड़े रहें, पश्चिमी यूपी से खबरें आप तक आती रहें। धन्यवाद।